इन्वेस्टमेंट कौन से शेयर्स में करूं, कौन सी कंपनी के शेयर ज्यादा डिविडेंड देंगे, या इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स में करूं, या फिर मुझे लग रहा है कि बैंक में इन्वेस्टमेंट करूं। कहाँ इन्वेस्ट करूं मैं? सेविंग्स तो बहुत है लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत है। तो वही चीज है आज का टॉपिक, इसी से रिलेटेड हमारा, दैट इज कैपिटल मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट टू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट व्हिच प्रोवाइड्स फंड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस थ्रू द सेविंग्स ऑफ कम्युनिटी। अब इसका क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट तो है क्योंकि पूरा रिलेटेड है आपके शेयर मार्केट से रिलेशन। तो वही चीज है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत फॉर्मली में ये होगा। और ये किसके लिए हो गया कि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को जब भी फंड रेज करना है तो उस केस के अंदर वो होता है कैपिटल मार्केट, शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए, जो उनको लगता है कि वो फंड रेज कर सकते हैं, जिसे वो इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं। थ्रू दी सेविंग्स ऑफ कम्युनिटी मीन्स कि हम सेवर्स हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पार्ट वन में बताया था कि वी आर दी सेवर्स, वी हैव दी सेविंग्स। तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हम देखते हैं यार कौन सी कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, किसकी रेट्स बहुत हाई है, जो अच्छा डिविडेंड दे रही है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम तो वही इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा ही होता है? ऐसे तो नहीं बहुत कंपनी हमें लग रहा है तो लॉस में जा रही है वहां मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हम यही कंपनीज देखते हैं जहां पे हमें हाई रिटर्न मिल सके, हाई डिविडेंड मिल सके, वहां हमें पॉसिबिलिटी है कि ईयरली हमें डिविडेंड अच्छा मिलेगा। तो सेविंग्स हम कर रहे हैं, हमें इन्वेस्ट करना है और वो हमें क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो वही चीज है कि कैपिटल मार्केट इज ऑल अबाउट द शेयर्स, डिबेंचर, स्टॉक मार्केट। तो वही चीज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे अगर कंपनीज को फंड रेज करना है तो वो किस तरीके से कैपिटल मार्केट में से इशू करेगी अपने इंस्ट्रूमेंट्स को। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, लेट्स स्टडी स्टडी नाउ। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिबेंचर। वही चीज है कि यहाँ पे कंपनीज क्या इशू करेगी, गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देगी, दूसरी कंपनीज जो है वो शेयर डिबेंचर्स इशू करेगी। क्यों? क्योंकि उनको फंड रेज करना है। क्लियर? तो वो हो गया है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जो हमने पहले भी देखा कि मनी मार्केट प्रिवेल करता है शॉर्ट टर्म के लिए और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म वही कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड, कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तभी ये सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। हाँ, कुछ के लिए हम बोलेंगे टाइम पीरियड कम होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, सिक्योरिटीज के लिए ज्यादा लॉन्ग टाइम होगा। ठीक है, तो वही है लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड होगा। लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी यहाँ पे भी रेज होती है, मनी मार्केट में भी हमने देखा था रेज होती है। कैसे? यहाँ भी लिक्विडिटी की, शेयर्स मैंने परचेज किया, ठीक है, मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने शेयर्स परचेज किए, शेयर्स परचेज करके मैंने तो अमाउंट दे दिया, मैंने तो फंड कंपनी को दे दिया। अब मुझे क्या पैसों की जरूरत है, तो वो शेयर्स को मैं सोल्ड आउट कर सकती हूँ। तो इसी को बोला जाता है लिक्विडिटी, जब मैं चाहे उसको ट्रांसफरेबल कर सकती हूँ, तो दैट इज लिक्विडिटी। टाइटल ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज इज ट्रांसफर, वही चीज है कि मैं किसी और को सेल कर सकती हूँ, फिर उसका क्या हो गया, ओनरशिप किसी और के पास चला। जरूरी नहीं है कि वो मेरे पास ही सिक्योरिटी रहनी चाहिए या मैं ही उसको रिडीम करूंगी। नो, व्हेनेवर आई वांट मैं उसको ट्रांसफर कर सकती हूँ। टू पार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैपिटल मार्केट डिवाइडेड इनटू टू मार्केट, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी, सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, ये एक बोर्ड है जो कि शेयर्स, डिबेंचर्स, जो भी सिक्योरिटीज के लिए उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है, स्टॉक मार्केट के लिए गाइडलाइंस देती है, उनके रूल्स रेगुलेशंस बताती है। तो सेबी वही है जिसके अकॉर्डिंग सारी कंपनीज को चलना पड़ता है। सारी कंपनी जो भी अपने शेयर्स को लिस्ट करवाती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनको सेबी के सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी जो है वो सारी कंपनीज को ऑब्जर्व करता है, सारे स्टॉक एक्सचेंज को ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, कोई भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए के अगेंस्ट पे कुछ गलत नहीं कर रहा है, अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, दैट इज। और हम पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल। अब इसके लिए जो मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई वो क्या है, दैट इज आई स्क्वायर, एल स्क्वायर, टी स्क्वायर एंड आर।
क्या हो गया, डबल आई, आई स्क्वायर मतलब इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, एल स्क्वायर रिलेट टू लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड एंड लिक्विडिटी, एंड टी स्क्वायर रिलेट टू टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड टू पार्ट्स, एंड आर इज फॉर रेगुलेशन ऑफ सेल्फ। तो ये हो गए हमारे सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर। तो बहुत ही शॉर्ट में है ये आई स्क्वायर, एल स्क्वायर, टी स्क्वायर एंड आर। ओके, नाउ प्राइमरी मार्केट, इट इज अ मार्केट ऑफ न्यूली इश्यू सिक्योरिटीज। सो प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड मार्केट ऑफ न्यूली इश्यू सिक्योरिटी। ये चीज मैंने बताया आपको कि ये क्या है, न्यूली इश्यू सिक्योरिटीज। कोई भी कंपनी जब स्टार्टअप करती है या अपने न्यू शेयर्स इश्यू करती है तो उस केस के अंदर वो उसे बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। इट मीन्स अ मार्केट फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फंड। कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई, उसको फंड की जरूरत है, होती ही ऑब्वियसली है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस केस के अंदर वो आईपीओ लेके आती है और अपने शेयर्स इशू करती है। तो उसी को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट, कि न्यू शेयर्स जब कोई कंपनी के इशू होते हैं तो वो उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी मार्केट। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर, फर्स्ट इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब भी कोई कंपनी, न्यू कंपनी स्टार्ट होती है और उसे अपने शेयर्स इशू करने, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसके अंदर सब अपनी डिटेल्स रहती है, उसके कंपनी की, शेयर्स की, सब कुछ उसमें सब कुछ लिखा रहता है। वो एक तरीके से इनविटेशन होता है कि हम पब्लिक क्या करें, वहां पे इन्वेस्ट करें, दैट इज प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट इज आई, इंटरमीडियरीज इन प्राइमरी मार्केट लाइक बुक रनिंग, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार ऑफ इशू एक्सेट्रा। अब कुछ इंटरमीडियरीज होंगे प्राइमरी मार्केट में, जैसे बुक रनिंग, लीड मैनेजर, मतलब जो बोलते हैं कि आईपीओ की पूरी प्रोसेस को कौन देखता है, ये देखता है, ये जो लीड मैनेजर है ये देखता है कि सब आईपीओ की प्रोसेस अच्छे से हुई है। इट्स लाइक अ इंटरमीडियरी जो कि हर प्रोसेस को अच्छे से देखेगा, जो भी उसे इशू करने हैं कंपनी को सिक्योरिटीज, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए वो ये मैनेजर देखेगा। एंड रजिस्ट्रार ऑफ इशू, जो हम सब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है कंपनी को, तो वो सब चीजें इसकी होती है। तो दैट इज इंटरमीडियरी इज इंक्लूडेड इन दिस न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज। न्यू सिक्योरिटीज हमने देखा इशू का, एंड सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड इन्वेस्टर्स कैन बाय। जिसे इन्वेस्ट करना है हम जाके वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे, हम परचेस कर लेंगे। दैट इज पिंस। ये मैंने क्या निकाली, मेमोरी टाइपिंग बहुत ईजी है। पिंस, PINS, जो आपको दिख ही रहा है, P for prospectors, I for intermediaries, N for newly issued securities, and S for securities sold. Clear? तो यहाँ पढ़ सकते हो, अच्छे से लर्न कर सकते ना। प्राइमरी मार्केट हो गया, तो सेकेंडरी मार्केट आ गया। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी मार्केट नहीं सुना होगा आपने, बट स्टॉक एक्सचेंज सुना है, तो वही चीज है ये। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड फैसिलिटी टू शेयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल शेयर, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज। अब इस केस के अंदर ही क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम क्या इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम इन्वेस्ट करते हैं। और देखोगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स भी होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड होते हैं, जो हमारे लिए वर्क करते हैं। सो टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, अ प्लेस प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी मीन्स स्टॉक एक्सचेंज। तो ये चीज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में हमें पता है कि वहां बहुत सारे शेयर्स है जो कि लिस्टेड है बहुत सारी कंपनीज के। मुझे कोई भी शेयर परचेज करना है तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई ब्रोकर को हायर किया। अब वो ब्रोकर मुझे बता देगा कि इस शेयर्स के रेट ज्यादा अच्छे हैं, इस शेयर्स के रेट ज्यादा कम है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये मैंने क्या किया, परचेज किया, किसके थ्रू किया, शेयर्स ब्रोकर के थ्रू मैंने परचेज कर दिया। और जब मुझे सेल करना है तो मैं सेल कर दूंगी। हमें ब्रोकर जो है वो पूरी गाइडलाइंस देता है, हमें पूरी अच्छे तरीके से एडवाइस देता है कि आप अभी परचेज कर लीजिए, आप अभी सेल कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा एक लिंक हो जाता है उनके साथ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ब्रोकर के साथ, जो हमें डिटेल्स देता रहता है, इंफॉर्मेशन देता रहता है कि आज आपके ये शेयर्स की रेट इंक्रीज हुई, आप सेल कर दो, आपका फायदा होगा। वही होता है स्टॉक एक्सचेंज, कितनों ने डील करके रखा है स्टॉक एक्सचेंज में। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो वर्कआउट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और बहुत लोगों के को इसके बारे में पता होगा जो कि आगे फ्यूचर में करने वाले। तो पता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जहाँ पे हम बोलते हैं बहुत सारा ऊपर नीचे रेट्स होती रहती है शेयर्स में, बहुत एडिक्शन भी होता है शेयर मार्केट का, बहुत लॉस भी होता है, बहुत प्रॉफिट भी होता है। बट इट डिपेंड्स कि आपको कितना नॉलेज है, क्योंकि इसमें हमें एक तरीके से पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है ये सब चीजों के लिए, कि लॉस ही हो गया तो। इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप पैसा लगा। क्लियर?
तो बस यही चीज हम यहाँ पे देख रहे थे कि इन्वेस्टर्स होंगे जो कि बाय करेंगे थ्रू स्टॉक मार्केट, जो कि हम बोलते हैं डायरेक्टली मैं स्टॉक मार्केट में जाके तो नहीं बोलूंगी ना मुझे परचेस करना है सेल करना है, तो इसी ही यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि आप ये शेयर परचेस कर लीजिए या ये शेयर आप सेल आउट कर लीजिए। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, लेट्स स्टडी नाउ। फर्स्ट वन मेंबरशिप। अब मेंबरशिप इस केस के अंदर हम देखते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट है तो ये भी पूरा मैनेजमेंट होता है इसका, जैसे हम कंपनीज के अंदर बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, पूरा मैनेजमेंट होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी मेंबरशिप्स होती है, यहाँ पे भी पूरे मेंबर्स बनाए जाते हैं, पूरा मैनेजमेंट उसी तरीके से चलता है, तो दैट इज मेंबरशिप। मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज। मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज हमें पता है स्टॉक एक्सचेंज क्या वर्क कर रहा है, सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, अभी हमने देखा परचेज सेल होता है वहां पे, तो ये क्या है सिक्योरिटीज का मार्केट। नेक्स्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या कोई भी कंपनी के शेयर्स यहाँ परचेज सेल होंगे? नहीं, यहाँ पे वही कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होंगे जो जो कंपनी के शेयर्स यहाँ लिस्टेड है उसी का सिर्फ यहाँ पे परचेज सेल होगा, उसी की यहाँ पे सिर्फ डीलिंग होगी। तो अगर आपको डील करना है शेयर मार्केट के अंदर तो कंपनीज को पहले अपनी कंपनी लिस्ट करवानी पड़ेगी, तो दैट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। हो सकता है कुछ कंपनीज ऐसी होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है जिन्हें क्या उन्हें पब्लिक का पैसा नहीं चाहिए, तो उस केस में वो लोग लिस्ट नहीं करवाते, तो ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग नहीं होती, और होता है अगर उन्हें लिस्ट करवाना है उन्हें पब्लिक का पैसा चाहिए तो वो लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा सकते हैं। देन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन मेंबर्स। अब जैसे मैंने कहा कि कंपनी जैसे वर्कआउट करती है वैसे यही करते हैं, तो ऐसे तो नहीं यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, यहाँ पे भी पूरी बोर्ड रहेगी, वो क्या करेगी अपने मेंबर्स पे फुल कंट्रोल रखेगी, ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी कर रहा है, क्योंकि हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस है, तो उस केस में क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। हमें पता है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कितने बहुत सारे स्टॉक, अप्रोक्सीमेटली 17 स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारे इंडिया के अंदर, और जिसमें से हमें पता है दो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज बीएससी एंड एनएससी, राइट। बॉम्बे में है बीएससी और एनएससी भी हमारा बॉम्बे में ही है, तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज है जो कि हम बोलते हैं बहुत मेजर है, क्लियर। तो वही है कि इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज है तो वहां पे भी मेंबर्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। वही यहाँ पे भी पूरा कंपनी की तरह एक तरीके से मैनेजमेंट रहता है। रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट बॉडी। स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड होगी या नहीं होगी? होगी, इन्हें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उन्हें रूल्स और रेगुलेशंस किसके मानने पड़ेंगे? सेबी के, जो कि मैं आपको बताया, सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्हें मानना पड़ेगा, उनकी जो भी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करनी होगी। ऑर्गेनाइज मार्केट क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब रूल्स है, रेगुलेशंस है, मेंबर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी कंपनीज को रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो ऑर्गेनाइज हुआ या नहीं? राइट, ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी इसका उसी तरीके से क्रिएट है, कितने मेंबर्स है, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग है, सबकी क्या क्या वर्किंग है, तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा जो हम कंपनी में देखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्रिएट होगा। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन करेगा? सेबी करेगा। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज को ऑब्जर्व करता रहेगा, उसे लगेगा कुछ काम गलत हो रहा है तो उस केस में वो उसे बोलेगा कि ये चीजें गलत है आप नहीं कर सकते, तो वही चीज वो बोल रहा है कि यहाँ पे पूरी रूल्स रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करनी पड़ेगी। एंड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट होने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ऐसे वो स्टार्ट नहीं हो सकता, क्लियर। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी इसकी। अब इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक मैंने बनाई है, दैट इज मैथ्स में, मैथ्स रिलेट टू एम मेंबरशिप, में इट्स रिलेट टू मार्केट एम, मैथ्स में एलसीएम दैट इज लिस्टिंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एलसीएम रेशियोज रिलेटेड टू रजिस्टर्ड, और मैंने लिया है डबल ओ आर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल एंड रेगुलेशन, एलजेब्रा अप्रूवल। तो मैथ्स में एलसीएम रेशियोज और एलजेब्रा, क्लियर, बहुत इजीली मैंने ये आपके लिए क्रिएट किया है। नाउ सम फंक्शंस आर गिवन, लेट्स स्टडी नाउ। फर्स्ट लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी हमने कहा कि कोई भी शेयर्स मैं परचेज करूं और अगर मुझे पैसों की जरूरत है फंडिंग की तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको सेल कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन दैट इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब ये क्या फंक्शन हुआ वैल्यूएशन? जब मुझे कोई भी शेयर्स का प्राइस कैसे वैल्यू होता है, कैसे होता है, जब मैं बोलती हूँ कोई भी शेयर्स की अगर वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, कैसे हुई वो? डिमांड सप्लाई से। कि अगर हम बोले कोई कंपनी के शेयर्स बहुत डिमांड में है तो क्या हो गया? क्यों? क्योंकि वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है तो डिविडेंड अच्छा है, डिविडेंड अच्छा है तो उस केस में क्या होता है लोग वहां इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे।
और जब लोग वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे तो शेयर्स की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाएगी, शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है तो वैल्यू इंक्रीज होना है, रेट बढ़ना है। तो वही डिपेंड करता है कि अगर आपकी शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़ती है, डिमांड से, और कम कैसे हो जाएगी, सप्लाई से। अगर हो ही नहीं रहा है उसका सप्लाई, डिमांड ही नहीं है उसकी, तो फिर क्या होगा, रेट कम हो जाएगी। तो उस पर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे आपका वैल्यूएशन डिपेंड करता है। देन वही स्टॉक्स एक्सचेंज करेगा, देखेगा डिमांड सप्लाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कर देगा शेयर्स की। कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू कैपिटल, वही चीज हो रही है। जो हमारे पास सेविंग्स थी, मुझे इन्वेस्ट करना है कंपनी के शेयर्स के अंदर, तो उस केस में क्या हुआ, मेरी सेविंग्स किस में चेंज हो गया, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, शेयर कैपिटल में हो गया वो कन्वर्ट। तो वही चीज वो बोल रहा है कि ये सेविंग्स आपकी सेविंग्स को एक कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है, कोई बिजनेस में आपने वो पैसा लगा दिया। इंटरमीडियरी इन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल, इंटरमीडियरीज होते ही है, ये हमने देखा है कि ये जब आप क्रिएट कर रहे हो कैपिटल को, तो कुछ इंटरमीडियरीज के सामने आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है। कुछ इंटरमीडियरीज आपके शेयर ब्रोकर इस केस के अंदर आएंगे। एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम क्या कर सक रहे हैं, हम हमारा क्रिएट कर सक रहे हैं कैपिटल, राइट, हम हमारा क्रिएट कर रहे हैं कैपिटल, लेकिन किसके थ्रू, इंटरमीडिएट के थ्रू। सो सेफ्टी इन ट्रांजेक्शन, देखो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करेगा यहाँ पे शेयर मार्केट के थ्रू, क्योंकि उसे पता है कि यह सेफ्टी है, मेरा पैसा कोई गलत जगह पे नहीं जाएगा, जहां मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वहीं पे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारी गाइडलाइंस किसकी फॉलो हो रही है, सेबी की। सेबी सब कुछ देख रहा है कि उसके इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी है, इसीलिए कोई भी यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहता है, इसीलिए सेफ्टी है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट मीन्स कंपनीज जो है, जो शेयर्स इशू कर रही है, वो किसके थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इशू कर रही है। तो उस केस के अंदर हम इन्वेस्टर्स अगर कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो पैसा जा रहा है कंपनीज के पास, तो कंपनीज के पास ऑब्वियसली जा रहा है, तो कैपिटल मार्केट में ग्रोथ हुआ। कैपिटल मार्केट ग्रोथ करेगा तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी, क्योंकि पैसा जब आ रहा है कंपनीज के पास, तो कंपनीज क्या कर रही है, कंपनी और ग्रोथ करेगी, कंपनी और ग्रोथ करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द कैपिटल मार्केट ग्रोथ। फैसिलिटीज टू परफॉर्म एक्टिविटीज, अब इस केस के अंदर फैसिलिटीज दी गई है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज क्रिएट हो रही है। ये क्या कर रहा है, शेयर मार्केट है जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि सारी एक्टिविटीज क्रिएट हो रही है, शेयर्स इशू हो रहे, डिबेंचर्स हो रहे, अदर सिक्योरिटीज इशू हो रही है। तो ये क्या दे रहा है, ये फैसिलिटीज दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म दे रहा है हमें कि हम परचेज या सेल कर सकते, हमें डायरेक्टली कोई कंपनी में जाके परचेज सेल नहीं करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए शेयर मार्केट एक तरीके से प्लेटफॉर्म हो गया, जो हमें ये फैसिलिटीज दे रहा है कि हम ये एक्टिविटीज कर पा रहे। देन नेसेसरी फैसिलिटी फॉर स्पेकुलेशन, स्पेक्यूलेशन, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, हर्षद मेहता जैसा कोई स्कैम नहीं हो रहा है ना। तो वही चीज देखी जाएगी, जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है काम, तो उस केस में हमें डर नहीं रहेगा कि कुछ गलत हो रहा है, कोई स्कैम हो रहा है, कोई कंपनी गलत कर रही है, क्योंकि ये पूरा ऑब्जर्व कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है। तो ऐसा कुछ स्पेक्यूलेशन जैसा केस नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ये क्या कर रहा है, अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है, हमें वहां के ब्रोकर्स इंफॉर्मेशन देंगे कि नहीं आप इसमें, नहीं आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। तो ये क्या, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी कंपनी की, वो हमें ये प्रोवाइड करेंगे। देन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे हमें पता है सिक्योरिटीज की लिस्टिंग होती है। एंड लास्ट इज गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं। हम अगर ब्रोकर से पूछते हैं कि यार अभी मुझे सेल करना चाहिए क्या, मैंने तो ये सुना है कि अभी यहाँ पे सेल करने का टाइम अच्छा है, तो हमें इन्वेस्टर्स को कौन बताएगा, हमें ब्रोकर्स बताएगा जो कि लिस्टेड है स्टॉक मार्केट। जो भी ब्रोकर्स है उनको भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हमें गाइडेंस देंगे, नहीं अभी तो ये रेट और बढ़ने वाला है कंपनी का, शेयर का रेट, तो अभी आप इन्वेस्ट, अभी आप सेल मत कीजिए, अभी वेट कीजिए। तो ये क्या है, एक तरीके से गाइडेंस हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीजें हमने क्या देखी, दिस इज ऑल अबाउट दी फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, दैट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का हमने ये सब फंक्शंस देखे। क्लियर, तो ये आज मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कवर करवाए हैं, अभी भी कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी मेरे पार्ट थर्ड के अंदर, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट पार्ट थर्ड। सो होपफुली आप सबको समझ में आ रहा है, सो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।